गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? परेशान हुआ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग देखो कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कल रात को जैसे घूम के आया गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था और अचानक से गाड़ी फिर से बंद हो गई, जो पहले हुआ था। फ्यूज फिर से उड़ गया। एक्चुअली क्या, उसकी माउंटिंग कोई हिली हुई थी, वो टूट गई है, तो उस चक्कर में ये सब हो रहा है। तो अभी सुबह से यही काम करवा रहे हैं। अभी तो 2 घंटे और लगेंगे, 1 घंटा ऑलरेडी वेस्ट हो गया है। तो इसलिए मेरा थोड़ा दिमाग ठीक नहीं था उस वक्त, मेरा दिमाग गरमाया हुआ था कि यार गाड़ी बार बार ख़राब हो रही है, तो व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। बट अगर मेरे स्ट्रीक का पंगा नहीं होता, मेरे को कंटिन्यू वीडियो नहीं डालनी होती, तो मैं आज वीडियो बना भी नहीं रहा होता, बड़ी बात नहीं थी। बट मेरे पास ऑलरेडी एक व्लॉग एडवांस में पड़ा है, बट स्टिल कुछ तो बनेगा ना व्लॉग, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। बस अभी काम करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद घर जाऊँगा, तैयार व्यार रहूँगा। और गुरु ग्रंथ साहिब जी का हमारे पहला प्रकाश उत्सव है, तो गुरुद्वारे भी जाना है, तो उस चक्कर में भी अभी फटाफट गाड़ी का काम करवा रहे हैं। तो जैसा होगा आपको दिखाते रहूँगा, बने रहिएगा व्लॉग में। थैंक यू। तो भाई बहुत देर हो गई है, मतलब 1-1.5 घंटा और हो चुका है, अभी भी ये लोग लगे पड़े हैं। मेरी तो हालत ख़राब हो गई भाई, गर्मी इतनी है पूछो मत। मैं तो यहाँ पंखे में बैठा हुआ था, कसम से भाई बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा कोई गाड़ी का फॉल्ट आया था ना, जो जल्दी ठीक नहीं हो सकता, तो यही लफड़ा रहता है बस। लगे पड़े मेरे को, अरे नींद, गर्मी भी लग रही है, पानी की 2 बोतलें ख़त्म कर चुका हूँ, अब तीसरी ले जा रहा हूँ। अच्छा, सो गाइज गाड़ी का काम हो गया है, टाइम हो रहा है 2:15। हम यहाँ पे आए थे 10:30, 11:30, 12:30, ढाई बजने ही वाले हैं, 2:15 तो हो ही रहे हैं। 4 घंटे हो गए हमें यहाँ पे गाड़ी का काम कराते कराते, मतलब ये सोच लो इंजन में कुछ काम हुआ नहीं और गाड़ी ये 5 घंटे 4 घंटे मान के चलो कि मैं तो 3 घंटे सोच रहा था 3 में हो जाएगा, 4 घंटे लग गए पता नहीं यार। और अभी भी गाड़ी का काम पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ फ्यूज़ और उसका काम है और थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का काम है इसमें, तो वो भी अभी दिखवाना है। तो अभी बस यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ जाएंगे। कल गाड़ी का राइट साइड का फ्यूज़ भी उड़ गया था। चले तो चलता हूँ भाई, अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ उसे। साहब गाड़ी की आवाज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, गाड़ी की आवाज़ ऐसी तो चाहिए, गाड़ी इतनी साइलेंट गाड़ी हो गई है, मज़ा आएगा अब तो चलाने में। कोई बूम बूम मतलब वाइब्रेट नहीं कर रही कहीं से, कुछ नहीं हो रहा, मज़ा आ गया भाई। मतलब ऑल दो टाइम लगा काफ़ी, बट काम अच्छा हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो आराम से जाओ। बस अभी ये फ्यूज़ का काम करवाना है, मक्खन हो गया गाड़ी मक्खन। चलते हैं भाई, लेट्स गो, थोड़ा गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। लेट्स गो। सो 4:30 घंटे बाद घर आया हूँ भाई, काम करा के 3 बज गए, 10:30 का गया गया, अब और हिम्मत नहीं है, अब सीधा आराम करेंगे, सो जाऊँगा मैं तो जाके, बस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, हमने कहा यार सामान मंगा लिया जाए शाम के लिए। सो अभी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, मैंने पटका नहीं बनाऊंगा। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए ये रुको यार, ऐसे नहीं, सभी निकाल देते। सो ये सब आया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए, और तो कुछ नहीं रह गया, सब ये सब आज रात को ख़त्म हो जाएगा। पिज़्ज़ा पप्स, मैकवेजी स्टिकी, जूसेस, चिप्स, आज किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सो भाई लोग, इंडिया हैज वन द टॉस एंड चूजेस टू फील्ड फर्स्ट। सो टॉस हम जीतेंगे, मैच भी हम जीतेंगे पक्का, मेक श्योर हम टॉस जैसे जीते हैं वैसे ही हम मैच जीतेंगे। दूसरी बॉल पे पाकिस्तानी गया, यहाँ पार्टी, जैसे ही मैंने जूस खोला
दूसरी बॉल पे ही रिव्यू लेना पड़ गया। जब्बार, इसी के साथ पहला विकेट जाता हुआ रिपोर्टर गगन आपको लाइव बताते हुए। आप तो वीडियो कल देखोगे बट दो दिन बाद बढ़िया। ये बात जिसको आउट होना था वो हो गया, रिजवान अहमद चला गया भाई। डर था कि यार ये रुक सकता है बट चला गया फाइनली। यस काम भी चल रहा है। अपनी हम जीत चुके एंड फाइनली वी वॉन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यस, सो इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूँ। बदलाव चाहिए।